बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे रशियन कबाब, जिसे आप रशियन कटलेट्स भी कह सकते हो। इसमें चिकन और सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है, जो शादियों में या पार्टियों में दिया जाता है। तो चलिए बनाते हैं रशियन कबाब। रशियन कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। ये डालेंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को हमें पहले गला लेना है। स्वाद के मुताबिक नमक डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 5 से 6 हरी मिर्च ली है जिसे हमने क्रश कर लिया है ये डालेंगे, और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब चिकन को गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे, तो 1 गिलास में थोड़ा कम पानी लिया है मैंने। एक बार मिक्स कर लेंगे और चिकन को हमें अच्छी तरह से गला लेना है। तो इसे ढक देती हूँ मैं और चिकन के गलने तक इसे पका लेंगे हम। ये देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और जो पानी हमने डाला था वो अच्छी तरह से सूख चुका है। तो बस अब हमने गैस को बंद कर दिया है और इस तरह से चिकन हमारा पूरी तरह से गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके हम रेशे रेशे कर लेंगे। इस तरह से चिकन के रेशे रेशे अलग कर लेना है हमें। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी थोड़ा सा क्रश कर सकते हो, लेकिन हाथों से जब हम इसकी एक एक रेशे निकालते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारे रशियन कबाब बनते हैं। ये देखिए सारे चिकन के हमने अच्छी तरह से रेशे कर लिए इस तरह से। अब चिकन को हम साइड में कर देते हैं और सब्जियां ले लेते हैं। सब्जियों में हमने आधी कटोरी भर के गाजर लिया है जिसे हमने क्रश कर लिया है, आधी कटोरी हमने पत्ता गोभी ली है जिसे बारीक बारीक पतला पतला काट लिया है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, आधी कटोरी हमने शिमला मिर्च को इस तरह से काट लिया है। और इसके अलावा आप बीन्स यानी फंसी भी ले सकते हो, क्योंकि रशियन कबाब में फंसी यानी बीन्स भी डालते है। तो हमें इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। चिकन में तो हमने हरी मिर्च, अदरक लहसुन, काली मिर्च डालकर उसे टेस्टी कर दिया है, लेकिन सब्जियों में भी अब थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक क्रश कर लिया, इस तरह से चॉप कर लिया है, और यहाँ पर लहसुन को भी हमने चॉप कर लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्च लिए जिसे बारीक काट लिया है, तो ये डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जीरे को हल्का सा तड़कने देंगे। गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी हूँ और ये अदरक और लहसुन को डाल देंगे, इससे सब्जियों में भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और थोड़ी सी हमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा इस तरह से हम जब सब्जियों को सॉफ्ट कर लेंगे तो सब्जियों में भी फ्लेवर आ जाएगा और बाइंडिंग में भी अच्छा रहेगा। शिमला मिर्च डालेंगे और पत्ता गोभी डाल देंगे। हमने चिकन में भी काली मिर्च को ऐड किया है, तो सब्जियों में हम थोड़ी सी काली मिर्च कुटी भी डालेंगे ताकि सब्जियों में भी काली मिर्च का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। बस 2 से 3 मिनट हमें सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और सब्जियाँ हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, ये आप देख सकते हो। बस इस तरह से हमें हल्की सॉफ्ट कर लेनी है। चलिए अभी ये सभी सब्जियों को हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं ताकि कबाब बनाने में हमें आसानी हो। अब कबाब की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर देखिए हमने 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। ये देखिए आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, तो सब्जियों में डाल देंगे इसे। अब जो हमने चिकन के बारीक बारीक रेशे किए हैं ये डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब हमने चिकन में नमक डाला था और सब्जियों में नमक नहीं डाला है, तो यहाँ पर हमने आलू भी डाले हैं, तो थोड़ा नमक कम पड़ेगा, तो नमक डाल देते हैं।
तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दीजिए। चिकन को याद रखते हुए नमक डालें कि चिकन में भी नमक डाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सभी चीजों को हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रशियन कबाब है तो सभी को ऐसा लगता होगा कि हम बना नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ही आसान है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने 300 ग्राम चिकन लिया है और बाकी सब्जियां ली है, तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कबाब बहुत सारे बन जाते हैं थोड़ी सी चीज़ों में। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। हमने जो उबले हुए आलू डाले हैं इससे बाइंडिंग कितनी अच्छी तरह से हुई है आप देख सकते हो। अब इसके हम कबाब बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम हाथों पर तेल लगा लेंगे और जिस साइज के आपको बड़ी छोटी साइज के बनाना है उस हिसाब से आप इसको ले लीजिए और इसे शेप देकर बनाएंगे हम। तो आप चाहे तो गोल शेप में भी बना सकते हो, लंबे गोल आकार में बना रहे इस तरह से, जैसे आपके मन में आए आप उसे ऐसे बना सकते हो। तो अच्छी तरह से देखिए बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए इस तरह से ये शेप में बनाया है मैंने। इसी तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये, क्योंकि जो भी चीजें हमने इसमें डाली है एकदम परफेक्ट डाली है। देखिए यहाँ पर हमने बड़े साइज के कबाब बनाए हैं, तो मेरे 13 कबाब बने हैं। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सब्जियों को और आलू को ज्यादा डाल सकते हो, लेकिन मैंने चिकन का फ्लेवर आए इसके लिए सब्जियों को कम ऐड किया है। अब कबाब की कोटिंग के लिए ये जो भुनी सेवई आती है जिसे हम शीरखुरमे में डालते हैं, तो वही लेकर उसे बारीक बारीक तोड़ लेना है, उसका चूरा कर लेना है। अब दो अंडे लेंगे हम और अंडे को हमें फेंट लेना है, ताकि कबाब को हम पहले अंडे में डीप करेंगे, उसके बाद सेव पर लगाकर इसे हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से फेंट लेना है। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से हम एक कबाब को ले लेंगे और अंडे में डीप कर देना है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ से अंडे में डीप करेंगे और दूसरे हाथ से इसे सेवइयों में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सेवइयों को हमें लगा देना है दूसरे हाथों से, अच्छी तरह से हम सेवइयों में से चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से सेवइयों में मैंने लगा लिया है। इसी तरह से सारे कबाब को हम अंडे में डिप करते जाएंगे और सेवइयों में लगाते जाएंगे। रशियन कबाब में सेवइयों की कोटिंग होती है, लेकिन आपके पास ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने 6 कबाब में अंडे की कोटिंग और सेवइयों की कोटिंग कर ली है। तो इसे फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब मीडियम कर दी है गैस की आंच को। तो आप चाहे तो इसे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी सब्जियां और चिकन तो हमारा पक चुका है, सिर्फ ऊपर से हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन करना है। इसके लिए थोड़ी देर इसे हम फ्राई कर लेंगे, ताकि थोड़ा गोल्डन कलर अच्छी तरह से ऊपर से भी आ जाए। इसे धीरे रहकर पलट लेंगे हम, क्योंकि अंदर से तो हमारी सब्जियां पकी हुई है, बस ऊपर से ही थोड़ा गोल्डन कलर लाना है हमें इसका, ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, ऊपर से गोल्डन कलर आ चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है, बहुत ही खाने में टेस्टी और मजेदार बनते हैं ये कबाब। इसे मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। ये देखिए, तो इसी तरह से दूसरे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये भी रशियन कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेते हैं हम। तो देखिए रशियन कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं।